तो मेरी जिंदगी में अभी मौके हो गए, बहुत थोड़ा बढ़ गया है, अब शादी के बाद तो बढ़ गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मजाकिया मूड में नजर आए। एथलीट्स खेल दिवस के मौके पर पहुंचे थे और तेजस्वी यादव ने कहा, मेरा मोटापा कुछ बढ़ गया है, वो शादी का असर है। जिसका शादी हुआ है वो जानता होगा कि मोटापा किस कदर बढ़ता है। मेरा भी बॉडी एथलीट्स की तरह था, लेकिन अब शादी के वजह से थोड़ा मोटा गया हूँ, लेकिन इसे मेंटेन कर लूंगा और आप लोग जैसा बॉडी बना लूंगा। सुनिए तेजस्वी यादव का मजाकिया मूड और तेजस्वी यादव शादी के बाद कैसे मोटा गए, ये खुद तेजस्वी यादव आपको बता रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। और सब लोग आज के इंजीनियरिंग खेल में सारे हमारे कुछ बैट्समैन और इंजीनियर है, तो हमें बड़ी खुशी होती है। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में सोमवार को राष्ट्रीय खेल दिवस पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुख्य अतिथि के दौर पर मौजूद थे। इस दौरान तेजस्वी ने अपने मोटापे को शादी का साइड इफेक्ट बताया। उन्होंने कहा कि आप लोग मेरे पहले की तस्वीर देख लीजिए, उस वक्त मेरा एक एथलीट बॉडी था, ऐसे में आप तो जानते ही हैं कि शादी के बाद वजन बढ़ जाता है। इस बात पर जमकर ठहाके लगने लगे। बता दें कि इस अवसर पर खेल के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को सम्मानित किया गया, जहां राज्य के 211 खिलाड़ी और 6 कोच को सम्मानित किया गया। टोक्यो पैरालिंग के बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले वैशाली जिला का निवासी प्रमोद भगत को 1 करोड़ रुपये और पैरा पुलिस ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार को 50 लाख रुपए की राशि मिली। रग्बी की महिला खिलाड़ी आरती कुमारी और सपना कुमारी को 8,33,333 रुपए का पुरस्कार दिया गया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि वह भी एक खिलाड़ी रह चुके हैं और खिलाड़ियों की भावनाओं को समझते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भले ही बिहार की ओर से खेलने का मौका ना मिला, लेकिन अब वे ऐसा काम करेंगे कि प्रतिभाओं युवाओं को अपने राज्य में ही सारी सुविधाएं मिले। बिहार भले ही पिछड़ा राज्य हो, लेकिन अब लोगों में बदलाव का मन बना लिया गया है। प्रदेश में खेल की स्थिति काफी पीछे है, जिसको लेकर आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने मजाकिया मूड में साफ कहा कि शादी का साइड इफेक्ट है, जिसके वजह से मोटा हो गया। खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं भी खिलाड़ी रह चुका हूं, भारतीय टीम में मुझे खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन प्रतिभाओं का ऊर्जा देखते हुए बिहार में खेल का स्तर बढ़ाया जाएगा। जो प्रतिभावान है खिलाड़ी, उन्हें खेलने का मौका और बिहार को आगे बढ़ाने का मौका जरूर दिया जाएगा।